गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अपर्णा हियर वंस अगेन। आज आपको मैं जो सिखाऊंगी मटन मैरिनेशन का तरीका मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ मटन है और अभी इसके अंदर जो मैंने पेस्ट मैंने बनाया है, एक गार्लिक, एक जिंजर, दो जिंजर बड़े बड़े और एक बड़ा जो प्याज का पेस्ट मैंने इस पर बनाया हुआ है, तो अभी इसके मैं डालूंगी। मटन मैरिनेट करने से पहले मटन को पहले डिफ्रॉस्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको है आसानी रहेगी। जैसे कि देखिए, इस तरह से आपको पूरा इसको मल देना है। जितना हो सकता है इतना आपको इसे अंदर अंदर, जैसे काफी हार्ड रहती है तो जैसे जैसे धीरे गलेगा तो उसके साथ साथ ये भी पूरा मिक्स हो जाएगा। जैसे इसको अगर जैसे अर्जेंटली अगर आप डिफ्रॉस्ट करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव के अंदर आपको इसको जो है दो, जैसे 2-3 मिनट के आसपास इसको रखना है। जैसे अगर आपको लगता है जैसे कोई मतलब मटन का जहाँ पे हार्ड है तो वापस आप उसको जो है ओवन में रख के वापस आप इसको डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। मीनवाइल जो ऑलरेडी डिफ्रॉस्ट हो चुकी है उसको हम यहाँ पे मैरिनेट कर रहे हैं। बाकी का रिमेनिंग स्टेप आपको मैं गाइड कर रही हूँ क्या करना है। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं ये मटन जो है पूरी तरह से, अब जैसे जो फ्रॉक जो जमा हुआ था हार्ड उसका, ये पूरी तरह से जो डिफ्रॉस्ट हो चुका है इसको पूरी तरह से आपको इस तरह से जो है मल देना है, जो पेस्ट हमने बनाया था। नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ इसमें करना क्या है। अभी इसमें आधा जो छोटा सा टब दही, इसमें जो है थोड़ा दही बचा था ये हमें इसे डालना है। अभी इसके अंदर जो ये मटन कोल्हापुरी का जो है थोड़ा सा इस मिक्स डालने वाली हूँ। सुहाना का जो आता है मटन कोल्हापुरी, जैसे देखिए काफी स्पाइसी है, कलर देख के जान सकते होंगे। इसमें ऑलरेडी मिक्स कर दिए तो इसमें बाकी के मसाले जैसे डालने की जरूरत में काफी जैसे स्पाइसेस वगैरह मौजूद है, काफी स्पाइसी होती है। इस तरह से हमने कर दिया है। तो हमारा ये पूरा ये मटन जो हमने इसको मैरिनेट कर दिया हुआ है, तो जब भी जैसे आप नॉन वेज वगैरह कुछ भी प्रिपेयर करते, जैसे चिकन है मटन है, तो पहले आप इसको मैरिनेट कर देंगे तो इसमें टेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा। प्रोसीजर आपको यही करना है इस पर। और जब भी आप मटन का कुछ प्रिपरेशन बनाते हो तो आप ये डायरेक्ट ये मटन जैसा ऑलरेडी मैरिनेटेड मटन आप उस पर करके करेंगे तो आपको काफ़ी टेस्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे आप ये जैसे नॉन वेज जैसा मैरिनेशन कर, जैसे चिकन है मटन है, जैसे आप ग्रेवी बना रहे हो, ये जैसे मैंने मैरिनेशन आपको सीखा ये ग्रेवीज के लिए है। या फिर जैसे कि अगर आप जैसे बिरयानी वगैरह बना देते हो आपको यही मैरिनेशन ऐसे ही करना है। सो फ्रेंड, जैसे आप मैरिनेट करते हैं तकरीबन इसको आधे से एक घंटा तक आपको इस हिसाब से आपको रखना है। जैसे अगर आपके पास मिनिमम टाइम अगर आपको चाहिए, और जितना ज़्यादा मैरिनेट करके इसको आप रखेंगे, जैसे अगर पहले जिस दिन आपको बना उसके पहले दिन अगर आप मैरिनेट कर देते हैं तो उसमें स्वाद और उभर के आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको प्रोसीजर यही करना है मटन मैरिनेशन के लिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो फील फ्री टू आस्क मी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस करनी नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, हैव फन, हैप्पी काली चौदस। थैंक यू।